नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज हो चुकी है 7 मार्च 2021 और दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है अभी हमारे पास BCCI की तरफ से, जहां पर दोस्तों IPL 2021 का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया। और दोस्तों BCCI ने ऐसा करके सभी को चौंका दिया है, इवन हमें भी चौंका दिया है, क्योंकि दोस्तों वेन्यूज को लेकर अभी तो फ्रेंचाइजीज और BCCI के बीच में थोड़ी सी मतलब नोकझोंक हुई थी और उस चीज का निपटारा जो है वो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में होगा, ऐसा बृजेश पटेल ने बोला भी था। लेकिन दोस्तों यहां पर कोई भी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई और अचानक से शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो यहां पर दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स और जो फ्रेंचाइजीज की मांग थी कि एक महीने पहले वो शेड्यूल चाहते हैं ताकि वो तैयारियां कर सके, तो उनको BCCI ने शेड्यूल प्रोवाइड करवा दिया। और दोस्तों हम आपको वन बाय वन शेड्यूल की पूरी जानकारी भी देने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि जो शुरुआती 20 मैच होंगे वो होंगे दोस्तों चेन्नई और मुंबई के अंदर। दोस्तों वेन्यूज केवल 6 ही रखे गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वेन्यू यहां पर सेलेक्ट नहीं किया गया। और उसके बाद में दोस्तों जो अगले मैचेस होंगे वो होंगे दोस्तों मतलब जो क्वालिफाइंग स्टेज के प्ले ऑफ के मैचेस होंगे वो होंगे दोस्तों अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। तो दोस्तों ये तो रहेगा वेन्यूज का सेटलमेंट। वहीं पर दोस्तों बात करें टाइमिंग की, तो दोस्तों टाइमिंग वही है जो कि पिछले साल थी, जहां पर आधा घंटे पहले मैच शुरू होंगे, शाम के मैच 7:30 बजे से होंगे और दिन के मैच होंगे दोपहर के 3:30 बजे से। ये रहेगी टाइमिंग। और दोस्तों बात करें कि पहला मैच किस किस टीम के बीच में होगा, तो दोस्तों पहला मैच होगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। दोस्तों रूल तो ये कहता है कि जो पिछले साल की फाइनल और रनर अप टीम होती है उनके बीच में मैच होता है पहला, लेकिन यहां पर क्योंकि वेन्यूज का थोड़ा सा चक्कर है तो इसी वजह से पहला मैच जो है वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने के बीच में होगा। और दोस्तों जो दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने पहला मैच खेलने से मना कर दिया है, तो इसी वजह से इन दोनों की टीमों के बीच में पहला मैच जो है वो होने वाला है आने वाले सीजन का। तो दोस्तों अब एक एक करके बात करते हैं शेड्यूल की, पूरे शेड्यूल की। तो दोस्तों यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला मैच होगा दोस्तों मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, दूसरा होगा चेन्नई और दिल्ली के बीच में, तीसरा होगा हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, चौथा होगा राजस्थान और पंजाब के बीच में, पांचवा होगा कोलकाता और मुंबई के बीच में, छठा होगा SRH और RCB के बीच में, सातवां मैच होगा राजस्थान और दिल्ली के बीच में, आठवां मैच होगा दोस्तों पंजाब और चेन्नई के बीच में, नौवां होगा मुंबई और SRH के बीच में, दसवां मैच होगा दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, ग्यारहवां होगा दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में, इसके बाद दोस्तों बारहवां मैच होगा CSK और RR के बीच में, तेरहवां मैच होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में, चौदहवां मैच होगा दोस्तों पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, पंद्रहवां मैच होगा दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, सोलहवां मैच होगा RCB और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, सत्रहवां मैच होगा पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, अठारहवां मैच होगा दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, 19वां मैच होगा CSK और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, और 20वां मैच होगा दोस्तों SRH और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। तो दोस्तों ये 20 मैच तो थे चेन्नई और मुंबई के। वहीं पर दोस्तों बाद बारी आती है दिल्ली और अहमदाबाद की, तो दोस्तों 21वां मैच जो है वो होगा पंजाब और कोलकाता के बीच में, 22वां मैच होगा दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, 23वां मैच होगा CSK और SRH के बीच में, 24वां मैच होगा दोस्तों मुंबई और राजस्थान के बीच में, 25वां मैच होगा दिल्ली और कोलकाता के बीच में, 26वां मैच होगा दोस्तों पंजाब और RCB के बीच में, 27वां होगा मुंबई और चेन्नई के बीच में, 28वां मैच होगा दोस्तों राजस्थान और SRH के बीच में, 29वां मैच होगा पंजाब और दिल्ली के बीच में, और 30वां मैच होगा दोस्तों कोलकाता और RCB के बीच में, 31वां मैच होगा दोस्तों SRH और मुंबई इंडियंस के बीच में, 32वां मैच होगा दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, 33वां मैच होगा दोस्तों RCB और पंजाब किंग्स के बीच में। वहीं पर दोस्तों अब बात करें आगे, तो 34वां मैच होगा SRH और चेन्नई के बीच में, 35वां मैच होगा दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, 36वां मैच होगा दोस्तों राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस के बीच में, 37वां मैच होगा चेन्नई और पंजाब किंग्स के बीच में, 38वां मैच होगा RCB और SRH के बीच में, 39वां होगा मुंबई और कोलकाता के बीच में, 40वां होगा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, 41वां होगा चेन्नई और कोलकाता के बीच में, 42वां होगा मुंबई और पंजाब किंग्स के बीच में, 43वां होगा SRH और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, 44वां होगा RCB और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, 45वां मैच होगा दोस्तों कोलकाता और पंजाब किंग्स के बीच में, इसके अलावा दोस्तों 46वां मैच होगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, 47वां होगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, 48वां मैच होगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, 49वां मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, 50वां मैच होगा SRH और PBKS के बीच में, 51वां मैच होगा दोस्तों RCB और मुंबई के बीच में, 52वां होगा KKR और SRH के बीच में, 53वां मैच होगा दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में,
54वां मैच होगा दोस्तों पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, 55वां मैच होगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, 56वां मैच होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो दोस्तों ये था लीग स्टेज का प्रोग्राम पूरा, जिसमें दोस्तों शुरुआती बीच में जो है वो चेन्नई और मुंबई में है, इसके बाद जो 16 मैच है वो है दिल्ली अहमदाबाद में, और इसके बाद जो अगले मतलब लीग स्टेज के टोटल बचे हुए मैच है वो है कोलकाता और बेंगलुरु में। वहीं पर दोस्तों अब जो हम कह सकते हैं कि प्लेऑफ के मैचेस होंगे, जो टीमें क्वालिफाई करेंगी, मतलब चार मैच होंगे, क्वालिफायर वन, एलिमिनेटर, क्वालिफायर टू और फाइनल, ये चारों मैच दोस्तों अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होंगे। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2021 का फुल फ्लेज्ड शेड्यूल। दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पर भी हमने ये अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईपीएल काफ़ी लंबा चलता है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि शेड्यूल देखा जाए, तो उसी तरह से आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों इसी साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ अड्डा। थैंक यू।